आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ईरान जहां अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहा है और इस ताकत का मुजाहरा जो है पूरी दुनिया देख रही है, और जब दुनिया ये तस्वीरें देख रही हैं तो सुपर पावर अमेरिका भी परमाणु समझौते को लेकर के ईरान से वार्ता करना चाहता है, एक समझौता करना चाहता है। तो वहीं ईरान के खिलाफ हमेशा सऊदी अरब का इस्तेमाल करने वाला अमेरिका भी अब सऊदी अरब अमेरिका को आंखें दिखा करके ईरान के साथ समझौते को लेकर के अहम भूमिका बांध रहा है, अहम भूमिका के तहत काम कर रहा है। तो ईरान के ऊपर तेहरान में एक बड़ा हमला कर दिया जाता है। इस हमले को लेकर के इसराइल के खिलाफ उंगलियां तो उठ रही हैं, जहां ब्रॉडकास्टिंग मुख्यालय जो कि ईरान का रेडियो स्टेशन है और जहां से तमाम मीडिया ये खबरें ईरान के प्रकाशित करता है, उसके करीब एक बम धमाका होना, जहां इस धमाके के बाद हर तरफ आग ही आग फैल गई है, इसे लेकर के अब बवाल मचना भी तय है। वीडियो सामने आ रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से यह हमला किया गया, और हमला इतना भयानक था कि हर तरफ आग ही आग फैल गई है। आपको बताता चलूं कि ईरानी फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान के तेहरान में एक बड़े विस्फोट की आवाज सुनाई गई है। तेहरान के अग्निशमन विभाग के प्रमुख ने कहा है कि उन्हें विस्फोट के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। फोर्स न्यूज की रिपोर्ट, हालांकि उन्होंने कथित तौर पर स्पष्ट किया कि आग और बचाव दल की राजधानी के उत्तर के क्षेत्र में भेजा गया है। रिपोर्टों में विस्फोट के मेलाट पार्क के अंदर एक इमारत के करीब रखा है, जहां इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग द्वारा संचालित टेलीविजन और रेडियो स्टेशन का मुख्यालय है। तेहरान प्रांत के उप सुरक्षा प्रमुख हमीद रेजा गोदर्जी को IRG इसी के संबंध में तस्नीम न्यूज ने यह कहते हुए कहा है कि इस घटना की जांच की जा रही है और इस समय यह स्पष्ट नहीं था कि इसका कारण क्या था, और यह अभी अज्ञात है कि क्या यह एक आतंकवादी कार्य था। ईरानी मीडिया ने बताया है कि विस्फोट स्थल पर कोई हताहत नहीं हुआ है, विस्फोट बड़े पैमाने पर कई घंटे बाद हुआ। ईरान भर में साइबर हमला, हैकर्स देश के सर्वोच्च नेता के फोन नंबर को ट्रेन की देरी की जानकारी के लिए कॉल करने वाले नंबर के रूप में पोस्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ा धमाका जो है ईरान के तेहरान में हुआ है, जिसके चलते एक हड़कंप सा मच गया है, और इस हड़कंप के पीछे की वजह क्या है उसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि ईरान जो है लगातार अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। परमाणु समझौते को लेकर के पता जहां ईरान हासिल कर रहा है, अमेरिका उससे बातचीत करना चाहता है, सऊदी अरब का भी झुकाव ईरान की तरफ बढ़ रहा है, तो इसे किसको खतरा है इसे भी समझने की जरूरत है, और इस हमले के पीछे कहीं इसराइल तो नहीं, यह भी जांच विषय बनता है। आपको बता दें कि इजरायली मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ईरान के साथ परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी निश्चित हो गई है। इजरायली समाचार पत्र यदुति अरनोत की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की नई सरकार ईरान के साथ परमाणु समझौते में बहुत शीघ्र लौटने वाली है, और इसकी वजह से इजरायल के अंदर चिंता बढ़ गई है। राय अलियोम ने इसराइल समाचार पत्र येदियुत अरनोत के हवाले से बताया कि ईरान के परमाणु समझौते के संबंध में वार्ता के लंबे होने के बावजूद इसराइल के अनुमानों से पता चलता है कि ये वार्ता इब्राहिम रईसी के सत्ता में आने के बाद आगे बढ़ेगी, और इसराइल को विश्वास है कि इब्राहिमी रईसी उनके कथा अनुसार कट्टरपंथी होने के बावजूद अमेरिकी सरकार के साथ नया समझौता कर सकते हैं। इसराइली समाचार पत्र की रिपोर्ट ऐसी स्थिति में सामने आई है कि जब ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को ही स्पष्ट रूप से कह दिया कि ईरान का दृष्टिकोण सरकार बदलने से
परिवर्तित नहीं होगा और इब्राहिम रहीसी की सरकार हर उस समझौते पर प्रतिबद्ध होगी जिस पर ईरान ने हस्ताक्षर किए होंगे। उधर अमेरिका ने भी कहा है कि वियना में ईरान के साथ परमाणु समझौते पर होने वाली हालिया वार्ता से वे कार्यवाहियां स्पष्ट हो गई हैं जो ईरान और वॉशिंगटन में करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ईरान परमाणु समझौते को लेकर के फतह हासिल कर रहा है, उस दौरान ये हमला होता है, कहीं ना कहीं इसराइल के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जहां सऊदी अरब ने पूरी तरीके से ईरान का सपोर्ट कर दिया है, तो इससे भी इसराइल की नींदें उड़ी हुई हैं। अरब देशों में अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय देश दशकों से अपनी खूनी पंजे गाड़े हुए जमे बैठे हैं। ईरान इराक युद्ध से लेकर सद्दाम हुसैन की फांसी, गद्दाफी की हत्या, मुर्सी की मौत से ये उसकी कुछ मिसालें हैं। सऊदी अरब व उसके सहयोगी अन्य अरब देशों ने अरब के अंदर खून की होली खेली है और इसमें अमेरिका, इसराइल व यूरोप के देश इनकी हर तरह से मदद करते रहे हैं। सद्दाम हुसैन के जरिए ईरान के खिलाफ युद्ध अमेरिका, इसराइल व यूरोप की ग्रेटर इसराइल मुहिम के तहत चली गई चाल थी, जिसमें सऊदी अरब व अन्य अरब देश पूरी तरह से शामिल थे। दाइश जैसे आतंकी संगठन को खड़ा करने में भी यही सऊदी अरब अमेरिका गठजोड़ शामिल रहा। इनकी मदद अन्य देशों व चरमपंथी संगठनों ने की। दाइश की शुरू की गतिविधियों को देखकर कोई भी भ्रम में पड़ सकता था कि मगर यह आतंकी संगठन मुस्लिम देशों में खून खराबा करने के लिए तैयार किया गया था, जिसकी आड़ में अमेरिका सऊदी अरब गठबंधन को सैनिक कार्रवाई करने के रास्ते में बन जाने थे। इराक सीरिया में दाइश जरिए सऊदी अरब अमेरिकी गठबंधन ने वहां की हुकूमत का तख्ता पलट की योजना बनाई थी। बहुत हद तक यह कुख्यात संगठन गठबंधन कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, तभी एंट्री की शहीद सुलेमानी ने उन्होंने जंग का पासा पलट कर रख दिया। साथ ही सीरिया में रूस की एंट्री ने सऊदी अरब गठबंधन की पूरी योजना नाकाम कर दी थी। जब सऊदी अरब अमेरिका की तरफ झुकाव में था, डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंध पूरी तरीके से साबित करने पर तुला हुआ था, तब तमाम मुल्कों से सऊदी अरब कटता जा रहा था। और जब सऊदी अरब तमाम मुल्कों से कटता जा रहा था और जब अमेरिका की तरफ से खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया गया बाइडेन के आते ही जमाल खाशगोजी की हत्या के लिए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा सऊदी बिन सलमान के खिलाफ, तब जाकर के सऊदी अरब ने अपना स्टैंड बदला, चीन, पाकिस्तान और तमाम देशों से दोस्ती बढ़ाई और ईरान समझौते को लेकर के घुटने टेकने पर सऊदी अरब मजबूर हुआ है। और जब सऊदी अरब का रुझान जो है ईरान की तरफ बढ़ा है, तो इसराइल की नींदें उड़ी हैं और इसराइल का यह हथकंडा हो सकता है तेहरान पर हमला करने के लिए, ताकि ईरान डरे और ताकि ये समझौता ना कर सके। पर ईरान इसका किस तरीके से जवाब देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ईरान से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।